राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला कहानियों की फुलवारी। इस श्रृंखला में अब सुनो कहानी शेर और बंबू। एक शेर था, उसे भूख लगी। भूख लगी है, भूख लगी है। वो जंगल में बड़ी देर तक शिकार खोजता रहा, उसे शिकार नहीं मिला। तब वो एक गांव में घुस गया। रात का समय था, वो एक घर के पास पहुंचा। खिड़की से घर के अंदर देखा। वहां दीपक टिमटिमा रहा था। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो जोर जोर से रोता हुआ आओ आओ चिल्ला रहा था। शेर ने इधर उधर देखा। वो घर में घुसने ही वाला था कि माँ बच्चे से बोल पड़ी, मुन्ना राजा बेटा चुप हो जा, अच्छे बच्चे रोते नहीं। हाँ ना, बात नहीं सुनेगा माँ की। देख चुप हो जा, चुप। वो देख, वो लोमड़ी आ रही है। लोमड़ी का मुंह बहुत फैला हुआ है, वो बहुत डरावनी है। हाँ चुप हो जा। फिर भी बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, मुन्ना राजा बेटा देख, वो देख भालू आ रहा है। चुप हो जा, चल जल्दी से चुप हो जा, वो खिड़की के पास ही खड़ा है। हाँ माँ की धमकियों का बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ा, वो रोता ही रहा। ये बातें सुनकर शेर सोचने लगा, बड़ा अजीब बच्चा है ये, ना तो लोमड़ी से डरता है और ना ही भालू से। भूख, भूख लगी है। वो संभल कर खड़ा हुआ। बच्चा अब भी चिल्ला रहा था। ओफो मुन्ना चुप हो जा। ए भगवान क्या करूं, आज तो ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुन्ना मेरा राजा बेटा चुप हो जा। देख वो देख शेर आ रहा है, वो खिड़की के नीचे खड़ा है। बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। शेर सोचने लगा, अरे ये कैसा बच्चा है, ये मुझसे भी नहीं डरता, लेकिन इसकी माँ कैसे जान गई कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो संभल गया और खिड़की से झांक कर देखने लगा। बच्चा अब भी रो रहा था। तभी माँ बोल पड़ी, अरे अरे खामोश, बंबू आ रहा है। बच्चा एकदम चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। शेर सोचने लगा,
ये बंबू कौन है? बंबू, लगता है ये मुझसे भी बड़ा और ताकतवर है। बंबू। अब शेर घबरा गया। इसी बीच अंधेरे में हुआ ये था कि एक चोर घर में घुसा था। वो कोई पशु चुराना चाहता था। इस घर में कोई ना कोई पालतू पशु जरूर होगा। अरे लगता है सामने गाय है, इसे ही चुरा कर ले जाता हूँ। अंधेरे में शेर को गाय समझकर उसकी पीठ पर वो कूदा। बंबू, बंबू। लेकिन जब शेर को पहचाना तो चोर के होश उड़ गए। अरे मर गए, अरे तू कह रहा है, अरे तू कह रहा है, अरे मैं क्या करूं। दोनों की हालत बड़ी अजीब थी। शेर बंबू के डर से भागा जा रहा था, चोर शेर के डर से उसकी पीठ से चिपका था। अरे मर गया, अरे मैं तो उसकी पीठ पर हूँ। मेरे ऊपर बंबू है, मेरे ऊपर बंबू है। अरे मैं तो उसकी पीठ पर हूँ। अरे मेरे ऊपर बंबू है, मेरे ऊपर बंबू है। रात भर शेर भागता रहा। अरे मेरे ऊपर बंबू है, अरे शेर, शेर। अरे मेरे ऊपर बंबू है। सवेरा होने वाला था। रास्ते में एक पेड़ मिला। उसकी एक डाल नीचे झुकी थी। चोर ने वही डाल पकड़ ली। ये डाल मैंने पकड़ लटक दिया। शेर से मेरी जान छूट गई। वो झट ऊपर चढ़ गया और छिप कर बैठ गया। शेर भी भागकर जंगल में जा छिपा। बंबू गया, बंबू गया, मैं बच गया, मैं बच गया। दोनों ने चैन की सांस ली। शेर और बंबू। अभी आप कहानियों की फुलवारी श्रृंखला के अंतर्गत सुन रहे थे ये कहानी। विषय संयोजन प्रतिभा दास गुप्ता, परियोजना संयोजन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद, गीता वर्मा और दिनेश वर्मा, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी और उषा रानी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।